हुआ क्या है तो बता दे। अब एक्सीडेंट हो गया मेरा भाई। क्या बात कर रहे हैं तो भाई, क्या करूंगा, समझ नहीं आ रही। तो जगह पे तो आ गए, जगह तो यही है, फोन नहीं उठा रहा यार। बिल्कुल डेड हो गई भाई, तो ना दरवाजे खुल रहे हैं इसके, ब्लड स्टेन से भी इस पे देखो। फोन मिला ना उनको एक बार भाई, फोन नहीं उठा रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर व्हील रिव्यू। तो आप देख रहे हो भाई, बिल्कुल ही नए भाई बैठे आज हमारे साथ। पंडित जी हमारे हैं नहीं, तो मेरे को जानता है द्वारका एक गाड़ी का, बहुत ही स्पेशल गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हो, तो बने रहना, सारी चीज़ दिखाऊंगा। उससे पहले भाई, एक तो इस बंदे ने इतना मेरा दिमाग खराब कर रखा है, अनुज ने, पंडित जी ने हमारे। और भाई ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई बंदे की पाँच मिस कॉल, मतलब हम सिर्फ जूस पीने के लिए पाँच मिनट उतरे थे, पाँच मिस कॉल। और फोन करूंगा तो सारी फालतू की बातें होंगी इसकी, तो भाई वो सारी बातें चलते रहेंगी। सबसे पहले हम भाई से मिलाते हैं आपको। ये भाई हमारे काकू, मेरा कजन। तो भाई थोड़ी हाय हेलो हमारी ऑडियंस को। माय नेम इज विख्यात एके काकू। अब देख भाई, इसको फोन करूंगा और सारी फालतू की बातें करेगा ये। अब देखें सुनियो, और भाई आपको भी सुनाता हूँ क्यों मैं इसको फालतू गाली देता रहता हूँ। भाई साहब, ये पांच मिनट जूस पीने का निकल के भाई तूने हद ही कर दी। पांच मिस कॉल, छह मिस कॉल कौन मारता है। भाई तो इतने फोन करेगा तो भाई दिन में 36 फोन तो आते। बता हुआ क्या है तो बता दे। अब एक्सीडेंट हो गया मेरा। भाई क्या बात कर रहे हैं। हाँ। किसका एक्सीडेंट, कैसे है? उसकी योगेश वाली। कहाँ पे है तू? भाई क्या बात कर, है कहाँ पे तू, फिर बताना मुझे जल्दी। भाई क्या करूंगा, समझ नहीं आ रही। तो जगह पे तो आ गए, जगह तो यही है, फोन नहीं उठा रहा यार। जगह भी यही है, यार काम करते हैं यहाँ पे, वो है सर्विस स्टेशन है। हाँ, वो वर्कशॉप नहीं है, वो इंदिरा की, वहाँ चलते हैं। एक्सीडेंट वाले, वो चल के देख लेते क्या सीन है, क्या वाला मिल जाए। फोन भी उठाया बंदा, चल चल के देख लेते हैं यार, पकड़। मैं पूछ रहा हूँ ये काकू भाई। अरे भैया ये देखो क्या हो गया इस गाड़ी में, बिल्कुल डेड हो गई भैया, तो ना दरवाजे खुल रहे हैं इसके, एयर बैग में खून भी है, एक बार देखना अंदर। भाई साहब, अरे भैया ये तो गाड़ी बिल्कुल डेड है अंदर से। भाई सीट भी टूटी पड़ी है तो, नीचे से सब टूट गया भैया, देखो सीट टूट गई पूरी, एयर बैग बाहर, ब्लड स्टेन से भैया इस पे देखो। फोन मिला ना उनको एक बार, भाई फोन भी तो नहीं उठा रहे। देखिए आगे वाला भी, दोनों एयर बैग ओपन है भैया इसके, तो बिल्कुल डेड है गाड़ी। फोन मिलाओ, फोन नहीं उठा रहा मैं करता हूं भाई, नहीं मेरा ही नहीं उठा रहा यार, वो नहीं उठा रहा भाई। मैंने ट्राई करा था अभी, अंदर चल लेना फिर सीधा, तो अंदर चलते एक बार, एक काम करते है ना, चल चल जल्दी। भाई आवाज से तो आई उसके, पंडित जी कहाँ पे है। अबे ये रहा, ओ भाई काकू आ जा, ये रहा। अबे ये रहा भाई, भाई ऐसा क्या कर दिया बस पूछ मत, एक उसकी हाथी पर भाई फोन रखना पहले यार, बात करते हैं। हाथी बच्चे वाले की गलती थे, उन्होंने पैसे मतलब बराबर बराबर चल रहे थे। हाँ। थोड़ा सा आगे था वो मेरे से, मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा। हाँ। उन साले ने बगैर इंडिकेटर दे ऐसे मोड़ दी गाड़ी की 100-120 की स्पीड से, गाड़ी पूरी डेड हो गई इसकी, तो खत्म। आप थे गाड़ी में जब थी, बाइक लगी लोगी उसमें तो चोट फेट तो नहीं लगी, बस थोड़ी सी गोड्डे पे लगी थी बाइक है, बाज की तान और तो चोट फेट नहीं लगी, सब ठीक है, भगवान की दाद है, बच गए। लगी कहाँ है वो जो गुरुद्वारे के सामने, वो रॉन्ग साइड वाला मोड़ नहीं है। हाँ। वो मतलब सीधे आ रहे थे, उसने यू टर्न मतलब एक चक्कर एक बारी में काटने के लिए। हाँ। वो मोड़ दी भाई, वहाँ यही तो सीन है वहाँ पे सारा भाई। गाड़ी फिर उसका क्या हाल है अभी भाई का बस थोड़ी पैर पर लगी है बाज की तान, भगवान की दाद है, सारा बचा हो गया ना, गाड़ी ने देखा तो लगी नहीं रहा कि आदमी जो भी पूछे आगे देखा की गाड़ी भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, उधर सामने बंदा था भाई, वो कह रहा क्या बहुत गंदा वो था भाई,
पूछ मत। गाड़ी बिल्कुल खत्म, प्रॉपर टोटल टोटल लॉस। ये तो हाई टोटल लॉस में क्या बचा भाई, वगैरह सब कुछ खुले पड़े। भाई काकू तो मानेगा, ये वो गाड़ी जिसमें हम लद्दाख गए थे। अरे भाई लद्दाख पे इतनी अच्छी गाड़ी थी बहन, जो मैंने कहूं इस जितना मैंने पिकअप स्कॉर्पियो में देखा नहीं था। वरुण गलत तो नहीं कर रहा? बिल्कुल भाई सही कर रहे हैं। चाबी बची है भाई, क्या चाबी देना है क्या इसको? इनको चाबी खड़ी करनी है वर्कशॉप में, इन दस मिलवाओगे क्लेम व्लेम का भी देखना पड़ेगा ना। अब टोटल लॉस क्लेम देते टाइम भी ड्रामे तो करेंगे भाई। चल देखो भाई क्या होता क्या नहीं होता, देखते चल एक बार फिर अंदर दे आऊं चाबी, फिर मिलता हूं। तो भाई बाकी अब जहाँ के बंदे बात उतारे ना कहाँ पे हुआ था क्या एक्सीडेंट हुआ था वो मैं आपको जगह दिखाऊंगा, और वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं तो वहाँ की कहानी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहना। बाकी दिखाता हूँ क्या हुआ भाई, बड़ा गलत हो गया पर जो भी हुआ। तो भाई लोग अब वैसे पंडित जी ने सब कुछ बता ही दिया कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं आपको भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे हुआ था। तो ये जैसे गाड़ी अभी हमारी चल रही है, तो ऐसी ये गाड़ी अपनी स्कॉर्पियो चल रही थी, और जो ये राइट वाली लेन देख रहे हो ये वाली, तो इसमें से जो वो थ्री व्हीलर टाइप्स होते हैं जो लोडिंग वाले होते हैं वो आ रहा था, और जैसे अब आप देखो ये लेफ्ट में जो बत्ती लगी हुई है हल्की सी आप देख रहे हो, तो रोक के दिखाता हूँ आपको, समझा रहा हूँ क्या होता था उसको अंदर। हाँ हमको जाना था सीधा, मतलब पंडित जी को सीधा जाना था, और वो बंदा ये राइट वाली लेन से ये जो जिससे बाइक गई अभी यहाँ से, उसने सोचा कि एक ही बार में पूरी गाड़ी मुड़ जाएगी, उसने यहीं से कट लेगी और ऐसे पीछे जाना था उसको, तो उसने वैसे लिया जैसे अभी आरटी वाले भाई ने लिया है, पर वो उस समय गाड़ी भी स्पीड में थी, तो भाई इस गाड़ी का सीधा से जा के उसमें एक्सीडेंट हो गया ना, उसने इंडिकेटर दिया ना कुछ भी दिया, और ऐसे भाई एकदम से दो लाइनें चेंज कर ली एकदम से उसने, तो ये तो होना था। तो भाई यही होता है, तो मतलब चलना तो भाई सबको सही से चाहिए, बाकी इतना था बाकी बताता हूँ भी। और तो भाई लोग पंडित जी मिल गए फाइनली, वैसे तो आपने देख लिया था वीडियो में, पर अब साथ में बैठे हैं, पूछेंगे इनसे एक्चुअल में हुआ क्या था। तो भाई बता दो एक बार हुआ क्या था एक्चुअल में सारी कहानी। यार मूड नहीं है वरुण बने, थोड़ी देर शांति दे, तू इसने फोन बंद कर भाई, तेरे को लग रहा है कैमरा उठा खड़ा हो जाता है यार जा मर्जी। भाई वो बात नहीं है, मेन ये है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई जो हमारे साथ हो किसी और के साथ ना हो, और जो भाई गलत करते हैं ऐसे इधर लेफ्ट लेफ्ट एकदम से ले लेते हैं, तो वो भी ना करें। ये कहना चाहूंगा गाड़ी चाहे मैं चलाऊं चाहे आप चलाओ कोई भी चलाओ, गाड़ी है बाइक है जो भी है, बहुत ध्यान से चलानी चाहिए, आगे पीछे देख कर कहीं मोड़नी चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक के लिए आदमी की जान जा सकती है, तुमने देखा होगा अपनी गाड़ी का क्या हाल हो रहा था। आप कलमद है नरेले की तरफ जा रहे थे करनाल बाईपास से जीटी रोड पर गए, जो ये अपना गुरुद्वारा नहीं है नंगली, इस पर जो मोड़ बना रखा है उतना पता मोड़ तो गलत है ही, वो तो गलत है भाई, वो मोड़ की वजह से ये हो गया। वो दिक्कत की हुई अपने दाग गए, एक वो था हाथी बच्चा जिसमें जो लोडिंग वाले होते हैं, लोडिंग वाले फ्रूट व्रूट था उसमें है ना, वो अपने दाग था मेरे हाल गणा नहीं तो 50 मीटर आगे होगा, 50 कह ले या 60 कह ले, मतलब इतना ही था एग्जैक्ट तक क्या बेरा होगा ना, वो भी सीधा चल रहा था। मैं भी अपनी मस्ती में था, 100-120 की स्पीड में गाड़ी थी, उसने क्या करा साले ने एकदम दे ऐसे पूरी, मतलब एक बार मैं घूमण के चक्कर में क्योंकि यू टर्न पे अगर मान ले वो ऐसा कट है, अगर एक बार मैं थोड़ी आगे तो लेनी पड़ेगी ऊपर ने इस तरीके से, अगर मान ले पास से लेंगे तो मैं बैक करनी पड़ेगी, बिल्कुल अगर फर्स्ट लेन में होते हो उसमें तो आप लेफ्ट मोड़ोगे तो आपको थोड़ा लेफ्ट लगेगा, फिर बैक लोगे और फिर वापस करोगे, और अगर आप राइट से एकदम से घुमाओगे तो फिर वो पूरा टर्न ले लेते हैं। तो भाई वो बंदे काफी ना, अब क्या बोले, वो बोलते हैं ना दुर्घटना से देरी भले, वो भाई किसने सही सोच समझ के बोला है भाई, वो ना इंडिकेटर दिया वरुण उसने ना कुछ दिया, सीधे एकदम तो मोड़ दी गाड़ी अपनी 100-120 की स्पीड दी, खाली रोड था बड़ी गाड़ी यार इतना तो बनता है 100-120 चलती है, वो ब्रेक कंट्रोल हो गए और सीधी उसमें लग गई बीच में, वो तो भाई शुक्र है बस भोलेनाथ का शुक्र इतना है, अपना भी बचा हो गया पूरा और अगला भी बच गया, सिर्फ गाड़ी का नुकसान होया आगा हाथ पैर जोड़न लग गया, उस तक एक हो भाई क्योंकि मान ले पैसे ले देना अपनी गाड़ी ठीक हो तेने बताओ मैं नुकसान दे वो तेन मान ले बिल्कुल ही खत्म है गाड़ी है ना, तो मैं भाई तू चला जा उड़े बिल की, फिर यार दोस्त भी आ गए थे तेरे उधर फोन मारा तू तो पहुंच नहीं पाया टाइम पे, बनू है भोले बाबा शुक्र ये हो कि बच गया। मैं सब नया बात कहूंगा कि भाई अपना ड्राइविंग पहले तो लाइसेंस फ्रॉड मत बनवाओ, जिन्हें भी बनवाना है जिसको गाड़ी चलानी आती है वो ही चलाओ, और दूसरे की जान बचा के चलना ये रोड पे अपना मकसद होना चाहिए इंसान का, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से किसी इंसान की जान जा सकती थी। और भाई सबसे बढ़िया घर से जब भी निकलो भाई अपने 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके निकलो अपने पहले, ये कहीं जाना है तुमको पता है 8 बजे निकलूंगा तो 9 बजे पहुंच जाऊंगा, तो भाई सेफर साइड के लिए 8 बजे में 10 मिनट पहले निकल लो तुम भाई, वो तो टाइम की तो बात ही नहीं, वो तो साला की उसकी मतलब गलती थी, इंडिकेटर दे दे भाई तू या पास था दो बार में मुड़ जाती 1 सेकंड फालतू लग जाती 5 मिनट की आफत आती, अब उसका भी नुकसान हो गया हमारा तो हो गया। और भाई बाकी आपको दिखाऊंगा अभी कैसे हमने समझाया, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो भी आगे कैसा कट आएगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। बाकी भाई ये चीज है, बाकी वो कट बहुत गलत है भाई वरुण, बहुत मतलब ऐसे देखा तो, पर चल गलत वलत है भी कि नहीं भी है, पर बंदो पर नहीं हो यार, जो अपने हरियाणा में कहावत है जब कड़ाई उठ रही हो ना वह साड़ी की तन की ताया करे
ठीक है अपने उल्टे लाग रहे थे भाई, शुक्र योगी बचाव हो गया भाई साहब, बहुत ज्यादा बचाव हो गया। और मैं ये बोलूंगा, मैं तो बोल रहा था गाड़ जोड़ू भाई, भाई का भी चोट नहीं लगी और सब कुछ बच गया, अगला भी बच गया। और भाई सबसे अच्छी बात हूँ, जो बंदे बोलते थे ना अभी गाड़ी बंद में रहते भाई, एक और एक मिनट भाई, एक और चीज बताना चाहूंगा इसमें कि भाई बंदे पहले बोलते थे महिंद्रा स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली थी उसकी ग्लोबल एनकैप में जीरो रेटिंग थी और ये था और वो था, भाई मेरे को भाई लग रहा है स्कॉर्पियो थी तो जान बच गई, और कोई गाड़ी होती तो बचना बहुत मुश्किल था, गाड़ी का हाल दिखाई इन्हें, फोटो लिया था, डाल दूंगा डालिए, बिल्कुल खत्म, अगर सेंट्रो या और कोई भी गाड़ी होती ना छोटी खत्म थी वो, तो शुक्र इतना की बड़ी गाड़ी थी जेल की, एयर बैग वगैरह टाइम पे खुल गए सब कुछ। चलो भाई तो यही था आज का, बाकी हम तो बोलेंगे कि आगे से भाई चलाओ तो अपना थोड़ा देख वेख के रोड पे अच्छे से चलाओ, दूसरों को बचाओ खुद को बचाओ, है ना भाई, क्योंकि घर पे कोई सबका इंतजार कर रहा होता है कोई ना कोई, बिल्कुल सही है ना। तो बाकी सारी चीजें भाई रेड लाइट वगैरह सब कुछ सोच समझ के बनाई होती है ना, ऐसे तो कोई बनाते ना, सरकार के पैसे लग रहे हैं और ये है, तो सारी चीजें मतलब देख के करनी चाहिए। तो भाई ये था आज का, तो आपने देखा क्या हुआ है, तो संभल के चलो सुरक्षित रहो, है ना, बाकी आगे भी ऐसी वीडियोस ऐसी तो ना ही आए तो बढ़िया है, बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर आएंगी, तो आगे भी चैनल पे बने रहना, लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना। काकू भाई बाय तो बोल दे। चलो सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।